सकते हो, पूरी की पूरी बाइक का पूरा टायर उसके ऊपर है, बट प्रोडक्ट को कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा और आगे लूँ मैं, में बनाया हुआ है कि ये एरोडायनामिक के हिसाब से कैसा यूज होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राइडोग्राफर तुषार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। अच्छी चीजें करते रहो यार। सो गाइज, आज फिर से KTM शोरूम के यहाँ पे आओ, बट ये टाइम बाइक से रिलेटेड नहीं है, ये टाइम एक्सेसरीज के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर जो आप जो विंडशील्ड देख रहे हो उसके बारे में हम बात करेंगे, जो स्पेशली मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे जो है अली सर के साथ में मेरा बात हुआ, जो है साइबर मोटो से, उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट भेजा है जो तो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट भेजा है ये, तो इसके अंदर बोलते ना कि पैकेजिंग काफ़ी अच्छी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो ग्राफिक्स किया है वो। तो ये प्रोडक्ट भेजा हुआ है जिसके अंदर है विंडशील्ड, और इसमें जो ना दो टाइप के विंडशील्ड आते हैं, पूरा सब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले आप ये विंडशील्ड देख लो जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हम जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3 दोनों KTM जो ड्यूक आती है उस पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। नंबर प्लेट ब्रैकेट है, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। पहले आप ये विंडशील्ड देख लो। गाइस, आप पैकेजिंग देख सकते हो, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। यहाँ पे जो ब्रांड का नाम लिखा हुआ है साइबर मोटो करके, एंड यहाँ पे भी बोलते ना कि एक अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है, डेफी दी रेसिस्टेंसी। जिनको पता है रेसिस्टेंस के बारे में प्लीज़ कमेंट करके उधर। एंड गाइस, बोलते ना जो चीज़ का गर्व होता है हमेशा, मेड इन इंडिया, बोलते ना कि आपने इंडिया में बनाया हुआ प्रोडक्ट है, वो चीज़ को यूज़ करने के लिए बोलते ना काफ़ी, बोलते ना गर्व से इंडियन, वैसा फीलिंग आता है। सो बेस्ट सीन। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि विंडशील्ड दो टाइप के आते हैं इसके अंदर, एक स्मोक आता है और एक क्लियर। मैं आपको मतलब प्रोडक्ट बताऊंगा तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल जो है प्रोडक्ट क्या है। एंड प्लस जितने भी जनरेशन के जो ड्यूक है, जैसे कि जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3 दोनों पे आप जो है इंस्टॉल कर सकते हो। 390 से लेकर 125 सीसी के जितने भी जो है बाइक्स आते हैं उस पर आप इंस्टॉल आराम से कर सकते हो। एंड इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। पहले मैं आपको अनबॉक्सिंग करके प्रोडक्ट बता देता हूँ। तो जैसे हम लोग प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ओके, तो ये है वो विंडशील्ड। चलो मैं अच्छे से उसको प्लास्टिक में रखा हुआ है, एंड उसको अगर मैं ओपन करूँ, ये क्लियर है। इसके साथ में जो है स्मोक वाला भी आता है जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वहाँ पे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। एंड आप प्रोडक्ट आप देखोगे, काफ़ी बोलते ना कि बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है, एरोडायनामिक एवरीथिंग लुकआउट करके, एंड बोलते ना कि राइडर के हिसाब से बनाया है एंड प्लस बाइक के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनाया है। यहाँ पे आपको जो है 4 होल्स मिल जाते हैं जिसके अंदर माउंटिंग होता है, इसका मैं माउंटिंग भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो साइबर मोटर का जो यहाँ पे लोगो है वो काफ़ी बोलते ना कि लेजर टाइप बनाया हुआ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना एक फॉगी इफेक्ट है जो व्हाइट का है, एंड ये फुल शाइनिंग है, मतलब आप डे में यूज़ करो या नाइट में, कभी भी आप यूज़ कर सकते हो उसको। एंड इसका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, मैं इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी देता हूँ। एंड यहाँ पर जो है मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, सो ये फिलहाल अभी इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, जो ऑलरेडी इंस्टॉल है वो मैं आपको बता दूंगा। एंड बोलते ना कि एक पाउडर कोटिंग किया हुआ है, बोलते ना हैवी मेटल का इसका माउंटिंग आता है, ये माउंटिंग भी बोलते ना कि काफ़ी रिसर्च करके बनाया हुआ है कि माउंटिंग कैसा होगा एंड नंबर प्लेट भी कैसा करेगा। इसके साथ में आपको जो नंबर प्लेट का माउंट भी आता है जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसके लिए, तो मैं वहाँ उसको मैं आपको बाद में दिखा रहा हूँ। एंड आपको जो इसके साथ में जो है बोलते ना कि नॉन रस्टेबल आपको स्क्रूज मिलते हैं, ये एलन की स्क्रूज है जिसमें ऑलरेडी वाइजर है, एंड इसमें आपको अलग से जो है यहाँ पे स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बोल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है जो इसके ऊपर जो है माउंटिंग हो जाएगा। तो सीधा हम लोग जो है प्रोडक्ट देखते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो भाई, जिस तरह से मैंने कहा कि इसके साथ में आपको जो है नंबर प्लेट माउंट भी मिलता है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, तो कैमरा को मैं थोड़ा नज़दीक ले लेता हूँ, तो ये जो आप जो माउंटिंग देख रहे हो ये नंबर प्लेट माउंट है। आप अगर देखोगे कि इस टाइप का जो माउंट आता है, मेरे हाथ में भी फिलहाल देखोगे दो माउंट है, कि दोनों में थोड़ा स्लाइटली फर्क आप देख सकते हो कि इसमें फर्क क्या है। क्यों? क्योंकि ये जो है जितने भी जो सेकंड जनरेशन के जो ड्यूक है 390 छोड़ के, ये सब में इंस्टॉल हो जाता है। एंड ये स्पेशली जो है 390 का जो माउंटिंग है उसके लिए बनाया गया, जो जनरेशन 3 का जो 390 एंड 250 है उसके लिए जो यूटिलाइज होता है, उसके लिए थोड़ा सा माउंटिंग में फर्क है। तो आप जब भी आप कुछ अगर आप ऑर्डर करते हो, सो मेंशन कीजिएगा कि आपका कौन सा बाइक है एंड कौन सा जनरेशन है, तो उस हिसाब से आपको माउंटिंग एंड ऑल सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। बिकॉज वाइजर तो सेम है बट उसका माउंटिंग थोड़ा अलग है, सो वो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो जिस तरह से मैंने कहा कि येस, सो ये माउंटिंग फॉर एग्जाम्पल ये 250 जनरेशन 3 है, सो इसका जो अंदर यहाँ पे जो मीटर कंसोल होता है उसके नीचे आप अगर चेक करोगे, यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रहा, तो यहाँ से सिर्फ एक दो स्क्रू है, आप खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हो।
कहीं पे भी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ एलन की होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये दो स्क्रू होते हैं वो निकालने पड़ते हैं, एंड फिर इसके अंदर जो है निकालने के बाद ये माउंटिंग जो है इस तरह से ऐसा फिट होता है, फिर उसके ऊपर वाइजर लगता है एंड आपको नंबर प्लेट बिठाने के लिए ये जो है नंबर प्लेट माउंट मिलता है। तो इस तरह से अच्छे से जो है माउंटिंग हो जाता है आपका। प्रोडक्ट में सबसे ज़रूरी होता है ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड ऑल वो तो ठीक है, क्वालिटी एंड ऑल तो ठीक है, बट सबसे मेन होता है ड्यूरेबिलिटी के उसका स्ट्रेंथ क्या है, कितने साल तक चलेगा वो एंड ऑल। तो उसके लिए मेरे पास जो है उनका एक सिमिलर प्रोडक्ट ही है जोड़ने की किया है। सो बोलते ना कि ये जितने भी अभी तक मैंने वीडियो बनाया कि फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ कि मैं खुद एक जो है बोलते ना कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर रहा हूँ, इसका स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा एक अलग भी लगा है बट मौका मिला है करने के लिए। सो इसका ड्यूरेबिलिटी देखो, मैं जितना भी बैंड कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है एंड ऑल, एंड प्लस अगर इसके ऊपर मैं पैर भी दूँ तो इतना मजबूत है। सो आप क्वालिटी देख सकते हो कि कौन से टाइप का क्वालिटी जो है मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, एंड यहाँ पर जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में भी आप अगर आपको चाहिए तो मैं बाइक भी इसके ऊपर से लेके जाऊंगा। सो यहाँ पर मैंने ये रख दिया, ठीक है, एंड तो अगर मैं कैमरा नजदीक लूं तो आप गाइस देख सकते हो पूरी की पूरी बाइक का पूरा टायर उसके ऊपर है बट प्रोडक्ट को कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा और आगे लूं मैं, तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं हुआ है। सो ये टाइप का जो प्रोडक्ट जो काइबर मोटो प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे विंडशील्ड का डिज़ाइन एंड ऑल सब कुछ अच्छा लगा, एंड इसका कॉस्ट भी मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो एंड तक आप मेंटेन रहिएगा गाइस। एंड एक और चीज़, इसका आप जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, जितना भी डिज़ाइन आप बताया, मैं कैमरा अगर नज़दीक लेके आऊँ तो आप ये जो डिज़ाइन है वो सिर्फ बाइक के हिसाब से नहीं बनाया कि दिखने के लिए अच्छा है, जितना भी आप जो यहाँ पे जो दिख रहे हो, जो भी फोल्डिंग्स बनाया हुआ है, जो भी एरोडायनामिक बनाया है, वो राइडर के हिसाब से बनाया हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तक बोलते ना कि जब से मैंने KTM Adventure 390 लिया है, मैंने अराउंड 4000 किलोमीटर चलाया, एंड मैं भी खुद एक बड़ा सा जो है वाइजर यूज़ करता हूँ, इतना मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने यूनिकॉर्न भी चलाया कि जब भी आपको राइडिंग के दौरान विंड महसूस होता है एंड कंटिन्यूसली आपके चेस्ट पे और फेस पे आएगा, तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि थकावट जल्दी महसूस होती है, तो उसके लिए मोस्टली जो है विंडशील्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि अगर हमारा जो पोर्शन होता है ऊपर का वो ट्रायंगुलर पोर्शन होता है, अगर मैं यहाँ पर अगर एक कैलकुलेशन करूँ ये ट्रायंगुलर पोर्शन होता है। सो ये प्रोडक्ट भी वैसे ही बनाया है, तो जिस तरह से आपको वीडियो नज़र आ रहा है कि कैसा जो है बोलते ना कि 3D में बनाया हुआ है, कि ये एरोडायनामिक के हिसाब से कैसा यूज होता है, यहाँ पर जो बोलते ना कि हवा जब डिफ्लेक्ट होएगा तो कहाँ से हवा कैसा बढ़ेगा, तो आपको ये जो 3D में आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको बराबर से पता चलेगा कि यस ये जो प्रोडक्ट बनाया है वो कितना रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाया है, सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाया हुआ है, काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है। जिस तरह से आप देख रहे हो, आप देख सकते हो जैसा विंड पास हो रहा है राइडर के ऊपर से, जैसा विंड पास हो रहा है वाइजर की इधर से, तो पूरी तरह से अपना जो ट्रायंगुलर पोस्चर होता है उसके हिसाब से। तो जिस तरह से अगर मैं सामने से अगर मैं देखूँ तो ये मेरा ट्रायंगुलर पोस्चर होता है, तो अगर मैं मोस्टली राइडर्स थोड़ा सा जो है ये स्पोर्ट्स बाइक है तो थोड़ा सा हम झुक के ही चलाते हैं एंड यहाँ पे हमारा पोस्चर, तो ये जो है हवा यहाँ से डिफ्लेक्ट करके ऊपर करेगा, सो एक एरोडायनामिक भी जो है बना पाएगा। मैं एरोडायनामिक एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, सो काफ़ी अच्छे से जो है ये बना हुआ है। अगर मैं ये प्रोडक्ट के बारे में जो इसका रॉ मटेरियल जो होता है वो पॉलीकार्बोनेट जो होता है उससे बना हुआ है, तो अपने जो एक्रेलिक मटेरियल्स होते हैं उससे भी मजबूत है, आपने देखा ड्यूरेबल टेस्ट में भी ये पास हो गया। सो बोलते ना कि पॉलीकार्बोनेट काफ़ी बोलते ना कि आजकल मार्केट में आ रहा है, सो उसी के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। एंड इसके कॉस्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, बट पहले जिस तरह से मैंने कहा कि इसके अंदर जो है दो प्रोडक्ट्स आते हैं, दैट इज़ ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है स्मोकी इफेक्ट वाला जो है बोलते ना कि ब्लैक प्रिंटर बोल सकते हैं आप, एंड दूसरा जो आता है वो क्लियर अगर मैं डिफाइन करूँ तो वो आप नाइट एंड डे दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ये आप डे में यूज़ करोगे बट नाइट में आपको जो इसके अंदर से व्यू नहीं मिलेगा, जो आपको जो है नॉर्मल जो व्यू ऊपर से देखना पड़ेगा वैसा आपको राइड करना पड़ेगा। बिकॉज मैंने देखा है कि जब भी कोई भी राइडर होता है वो मोस्टली ऐसा करके चलाने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ बोल रहा कि स्पीड मिलने के लिए, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स बाइक पे पब्लिक वैसा चलाती है बिकॉज वही होता है राइडिंग पोजिशन, सो क्लियर वो टाइम में काफ़ी यूजफुल होगा। इसके कॉस्ट के बारे में आते हैं गाइस, इसका जो कॉस्ट है अगर आप ब्लैक ये जो सामने आप जो स्मोकी इफेक्ट वाला देख रहे हो ये अगर आप जो है परचेस करते हो तो इसका कॉस्ट है करीबन 2570 रुपीज़,
एंड अगर आप क्लियर वाला देते हो तो उसका सिर्फ डिफरेंस है 100 रुपीज, दैट इज फॉर 2670 एंड प्लस आपको जो है शिपिंग चार्जेस आपको देना पड़ेगा। बट हम लोग जो फर्स्ट 40 कस्टमर्स है उनके लिए हम लोग जो है 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट इज फ्रॉम काइबर मोटो। सो श्योर आप जो है कॉल करके या फिर इंस्टाग्राम से थ्रू जो है उनको आप ऑर्डर परचेस कर सकते हो। सो उनका जो इंस्टाग्राम सामने जो दिखाई दे रहा है प्लस मैंने जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है वहाँ पर भी जो है आप जाके जो इंस्टाग्राम जाके चेक कर सकते हो, उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इवन आप मुझे भी आप डीएम करोगे सो मैं भी डायरेक्ट उनके से आपकी बात करा दूंगा। एंड प्लस आपको इसके बारे में कुछ भी डिटेल जाननी है तो आप कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हो, या फिर जो आपको सामने नंबर दिखाई दे रहा है काइबर मोटो का आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करोगे तो भी आपको जो है आंसर कर देंगे जल्द से जल्द। सो दैट्स इट गाइस, सो होप मुझे लगता है ये प्रोडक्ट काफ़ी जो है बोलते ना डिमांडिंग होने वाला है, क्योंकि इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया एंड बोलते ना सिर्फ लुक्स ही नहीं बट ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से भी जो है ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइस, मेरा नाम है रेडियोग्राफर तुषार, बड़ों को नमस्कार छोटों को प्यार, अच्छी चीज़ें करते रहो यार, थैंक यू।